कोटा सिटी एसपी शरद चौधरी की सतर्कता से कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिटी एसपी शरद चौधरी के निर्देशन में कोटा डीएसपी टीम, साइबर टीम व अन्य पुलिस टीम ने मात्र 2.5 घंटे में चैन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा कर दिया है। कोटा सिटी एसपी शरद चौधरी ने बताया कि दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में निरंजना गोयल नाम की महिला से बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की थी। इस मामले में साइबर टीम समेत पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने मेहनत करके 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि विशाल सेन, हरिओम बिरवा, विक्रम बिरवा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई थानों में मुकदमा दर्ज है। वही आरोपियों से जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो 10 वारदातों का खुलासा हुआ है। दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात की सूचना मिली। मेरे द्वारा उस अपराध समीक्षा बैठक को तुरंत उसी वक्त मुलतवी किया गया और पूरे जिले भर की टीम यहाँ से रवाना हुई चेन स्नैचर्स को पकड़ने के लिए, पीछा करने के लिए। हमने जो हमारी ये पीछे मेरी पूरी टीम कोटा खड़ी है, कई इसमें SHOs हैं, COs हैं और इसका नेतृत्व एडिशनल SP सिटी कर रहे थे। 2-3 COs मुकुल, अमर सिंह वगैरह ये सारे लगे हुए थे। सब अपने अपने इलाके में मुस्तैद थे। हमारा अभय कमांड सेंटर जहाँ कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग होती है, उसको कुछ लोग खंगाल रहे थे। मेरी DST की टीम, हर आदमी अपनी अपनी बीट पर मुस्तैदी से करने के लिए कुछ ना कुछ तैयार था। रात 10 बजे जाके मिली जब हमने पहले अपराधी को पकड़ा, फिर हमने दूसरे अपराधी को पकड़ा और ये रात भर हमारा चेज ये कोटा पुलिस की टीम करती रही। हमने फिर तीसरे अपराधी को पकड़ा जो इन वारदातों का मुखिया है, सरगना है। उसने पहली वारदात में वो स्वयं है एक लड़के का इस्तेमाल किया, उसको उतारा। दूसरी वारदात में वो स्वयं, फिर उसने दूसरे लड़के का इस्तेमाल किया। रात भर पूछताछ चली, जो प्रकरण दर्ज है दादाबाड़ी में, अब इन अभियुक्तों को हम उसमें गिरफ्तार कर रहे हैं, PC रिमांड लेंगे। अब तक जो इनसे पूछताछ हुई है, कोटा शहर की 10 चेन स्नैचिंग की वारदातें इन्होंने करना अभी तक कबूल कर लिया। ये जो प्रेस नोट आपको उपलब्ध कराया गया, इसमें इनकी सारी